ये पतोल फ्यूजन चाट आप बोल सकते हैं इसको। तो उसके लिए हमारी बची हुई कढ़ी जो है वो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 कप, और ये जो मटर के पराठे हैं, पराठे के जो मसाला है वो बचा हुआ है यहाँ पे है, और इसको हम फ्रेशनेस देने के लिए दोबारा बघार देंगे, और हल्का सा मसाला जरूर कभी तो डालेंगे, नहीं तो सिर्फ बघार देंगे, छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे हमारे मेरे पास 3 एप्पल है कटी हुई, जिसे हम अभी बॉईल करेंगे कढ़ाई में। और इसके बाद बेसन है, बेसन जो है इस कढ़ी में पतोल बनाने के लिए है, और एप्पल चाट एप्पल सॉस के लिए हमारे पास जो है फूल चक्री होते हैं इसे, एंड सिनेमन या दालचीनी, फिर नींबू, यहाँ पे शक्कर, पिंक सॉल्ट, सॉल्ट, मिर्ची, लाल मिर्च, इतने इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कटर है, जो हमारे पतोल आपके पास ये कटर नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या कोई भी शेप ले सकते हैं, अगर राउंड नहीं चाहिए तो आपके स्क्वायर कटोरी। कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। इसमें देखिए ये कड़ी मैंने निकाल के रखा है थोड़ा, तो आपको बाद में बताऊंगी मैंने किसके लिए निकाल के रखा कम, जो इसका थिकनेस है उसे थोड़ा कम लेना है अपने को, तो आप प्लेट में भी ले सकते हो इसको, ऐसे ये जरूरी नहीं कि ऐसे पैन चाहिए आपको, कोई भी प्लेट में भी ले सकते हो आप इसको। ये जस्ट हो गया नियरली, इसको भी अपन गैस स्विच ऑफ कर देंगे, और इसको इसमें डिश, बहुत टेस्ट एकदम अलग ही आ जाता है सॉस से, खट्टा मीठा टेस्ट आता है।